हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। पुलिस मुठभेड़ में चोरी की बोलेरो, दो तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी क्राइम ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला दिव्यांग बंधुओं की बैठक, दिव्यांग छात्रों को ब्रेल किट देकर डीएम ने किया लाभान्वित। 15,000 के शातिर इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, काफी दिनों से चल रहा था फरार। दो दिनों के लिए हड़ताल पे गए बैंक कर्मचारी, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा बृहद आंदोलन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की श्रद्धांजलि। एसपी क्राइम आलोक वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, एसपी क्राइम ने निस्तारण के दिए निर्देश। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन की बैठक हुई संपन्न, सदन भवन बनाने हेतु लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। चोरी के रुपये के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में हुई बैठक। बिजली चोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को समस्या के निवारण के लिए आयोजित हुई कार्यशाला, विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए टिप्स। रेलवे के लेखा विभाग का रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण का हुआ आयोजन, पुरस्कृत हुए कर्मचारी। धूम्रपान निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर एनएसएस के कैडेटों ने ली शपथ, फैलाई जागरूकता। विश्वकर्मा समाज के उत्थान और विकास के उद्देश्य से 3 जून को आयोजित होगा विश्वकर्मा समाज की रैली। और जिला क्रिकेट लीग में रॉयल उद्यान्स एकेडमी ने पाठक क्रिकेटर्स को 7 विकेटों से दी करारी हार।